कहता है ये प्रेशर पाइप प्रेशर जल्दी देता है, जैसे 4 kg 6 kg आपने लाइनें डाली है लेकिन वो 2 kg की भी प्रेशर नहीं डाल पा रहा है। और जो आपने जो गहराई तो मिनिमम आपने 3 फुट की बात कर रहे की 3 फुट डाला है, 3 फुट नहीं डाले नहीं 1.5 फुट के ऊपर इतनी सही कर दिया आपने। ये मतलब क्या है कि आप आगे की बात करें, हैंडओवर कर दी वो अनपढ़ सरपंच है, पता ही नहीं क्या साइन करने, साइन करती है उन्होंने हैंडओवर किया। ये निवेदन है, ये मामला बहुत गंभीर है, इस मामले की जो भी जिस ठेकेदार को अभी तक इसको पेमेंट नहीं हुआ है, बकाया पड़ा है, उन ठेकेदारों को वापस बुला के उनके जो भी काम है उनको वापस सही करें। आप मतलब इस विशेष रहकर उनका काम है, आप सबको मतलब क्या है कि भगवान मतलब क्या है आपको दिन रात में सर की देगा बस। ये आप पुरानी योजना थी LND जो काम कर रही थी पुराने प्रोजेक्ट, उसके अंदर जो पोखरण से लेकर परसों तक जो पाइपलाइन डाली थी वो डिफेक्टिव पाइपलाइन थी, वो क्या पूरा प्रेशर झेल रही है अभी तक? पोखरण से, पोखरण से परसों तक डिफेक्टिव तो नहीं है क्या? अभी हमने हमारे जो डिजाइन प्रेशर है वो है 10.5 आपका जसोर फाटे जो तो फिर क्या है सर, मैं आपको बता दूं पहली बात जो है आप सबको बताए सबसे बड़ी बीमारी है एयरवाल में, हर एयरवाल पे आप यहाँ से जाए पानी पहुंच रहा है पहले कोई दिक्कत नहीं है ना, पानी प्रोडक्शन कम होगा, ये रोज की समस्या स्लाइड नहीं हुई अभी मेरे हिसाब से कम 30% VDC ऐसी होगी जो LND ने बनाई है, वहां तक अभी भी पानी नहीं पहुंचता है। बिल्कुल आप सही है, आप नाम आपकी जो सबसे समस्या यही है वो है के अंदर नए गांव जोड़ने के जो काम चल रहे हैं उसमें मेन सोर्सेज है, वहां से VDC तक पहले जो पाइपलाइन बिछाई हुई है वो तो LND ने बिछाई थी, अब क्या किया मेन सोर्सेज से आगे तक सप्लाई दिखा दी और पाइप कनेक्शन VDC तक कर दिए, बीच में कहीं पे 2 किलोमीटर कहीं पे 3 किलोमीटर के बिल ऐसे फर्जी बन के उसका भुगतान हो गया है, उसके बारे में पूरी जांच करके रिपोर्ट पेश करें। केशुमला भाटिया से केशुमला हर्षद तक जो VDC है वहां से कनेक्शन किए और आपकी बिलिंग हुई है मैन सोर्स से आगे तक की, ऐसी कई शिकायत है, मैं एक ही कह रहा हूँ सारी बताओ, बिल्कुल सारी बताओ हम सारी चेक करेंगे। और दूसरा ये आपके 84 सिंदरी के अंदर एक लिखित में शिकायत आई है 84 सिंदरी शरणार्थ, उसके अंदर 6 महीने के भीतर ही पूरा काम जो निर्धारित किया गया था वो अभी तक हुआ नहीं है, और उसकी टेस्टिंग की थी उस समय पाइपों की हल्की क्वालिटी बढ़ने की वजह से जगह जगह से पाइपलाइन फट गई थी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये लिखित में भी ग्रामवासियों ने पूरा एक ज्ञापन दिया है क्लब साहब के माध्यम से, इसकी पूरा जांच करवा गया। एक तो अध्यक्ष महोदय PhD वालों को बहुत बहुत बधाई जो इस मीटिंग के अंदर ये कहा है कि इतना प्रेशर हो रहा है या नहीं होना है वो अलग बात है, उससे आप कह रहे हो हर नहीं होने वाली बात नहीं की है, मैं कह रहा हूं तो बधाई देने। दूसरा ये कह रहे हैं कि हर VTC पर जाना है रैंडमली, अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन है आप पास साहब के काम आपसे मिल कर लो, आप लोग चल चलो दिशा के अंदर ये मैंडेट भी है इनको, नीचे जाकर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स को नीचे धरातल पर चेक करना, इस मीटिंग के अंदर ही आप लोग ले लो और उन VTC के ऊपर जाकर और अपन देख लेते हैं। भाई तो विधानसभा में हुई तो मेरे को कहते ना मैं उस दिन चल चलूंगा, बाकी विधानसभा के अंदर ये माननीय जनप्रतिनिधि वो तारीख तय कर लो उन VTC को और आप तय कर लो और वहां जाकर अपन ये चीजें और प्रेशर वाली बात है वहां चलकर अपन प्रेशर पे वापस आपसे जवाब अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर रहा हूँ कि जो स्टेट दिशा के मैंडेट है उस परव्यू के अंदर है कि नीचे जाकर फिजिकली ये सब चीजों को चेक करना, तो आप तय कर लो VTC आइडेंटिफाई कर लो
विभाग वालों का आप तारीख दे दो, वहां जाकर अपन ये बीटीसी के ऊपर जाकर देख लो। आप कह रहे हो सब बीटीसी में जा रहा है और नीचे स्थिति बिल्कुल ही अलग है, सब जनप्रतिनिधि बैठे हैं। मैं बीटीसी को लेटर बना के देते 15-16 तारीख का आस पास में आप फ्री रहना और एमएलए साहब और साथ में चल के उसको चेक करेंगे। आप जो कह रहे हो उसमें आपके कहने में और हकीकत में कितना फर्क है, इनका क्या इलाज होना चाहिए जो देंगे तो इनको इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, इनको नोटिस मिलेगा। सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, राज्य सरकार का पैसा जनता का पैसा है, उसका दुरुपयोग करने का इनके ऊपर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे एमएलए साहब जो गांव के कंप्लेंट दे रखा है कि इतने गांव में हमने कहीं भी 12 गांव दिखाए, अपने 34 गांव और कल्याणपुर के 34 गांव दिखाए। सौ % आपकी सभी बात पर हम विश्वास कर रहे हैं, वहां जाकर आप और हम लोग बैठ रहे चलकर हो पा चीजें देख लो, मौका तो देख लो, ठीक है ना। बात कोई लिस्ट आप प्रोवाइड करा देना कि ये कंप्लीट है, आप बता देना कि ये इनमें से लेंगे जो आपने कंप्लीट कर रखी है, इनमें से एक बीटीसी का जाके अब चेक करेंगे कि आपने 100% बताया कि कब पूरा काम हो गया है, पानी पहुंच रहा है, घर तक कम्प्लीट हो गया है, उन्हीं में से सिलेक्ट करेंगे। 15-16 तारीख के पास हम आप कमेंट जाकर चेक करेंगे।